दोस्तों, ना जाने हमारे भारत में कितने ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, कितने ऐसे शिलालेख मौजूद हैं जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। यह धरोहर हमारे इतिहास के हर एक पन्ने को पकड़ के रखे हैं, जो आप ये भी कह सकते हो कि ये भारत की नींव है। परंतु अगर आपको कभी पता चले कि आप एक सांस्कृतिक धरोहर से परिचित है, जहां आप बचपन से विवेचन करते हैं, परंतु समय दर समय वो विकृत और भग्न अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? हाल ही में हुए बिहार के एक इंसिडेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और आपकी क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों, हाल ही में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी निर्णय के जरिए एएसआई ने सासाराम में मौर्य साम्राज्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण शिलालेख को कट्टरपंथी विचारों के लोगों से पुनः प्राप्त करने में सफल रहा है। बिहार के सासाराम में कट्टरपंथियों द्वारा सम्राट अशोक की लगभग 2300 वर्ष पुरानी शिलालेख पर कब्जा करके उसे मजार बनाने के मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। महान मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐतिहासिक शिलालेख पर मजार बना दी गई थी। पूरे देश में अशोक के ऐसे 8 शिलालेख है, जिनमें बिहार में केवल एक ही है। इस शिलालेख पर चूने की पुताई कर चादर चढ़ाई दी गई थी। इसके बाद इसे सूफी संत की मजार घोषित कर सालाना उर्स का आयोजन किया जा रहा था। यही नहीं, शिलालेख की घेराबंदी करने के बाद उसके गेट पर ताला लगाकर रखा जाता था। पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, सम्राट अशोक की शिलालेखों को लंबे समय तक अतिक्रमण किया गया था, पर अब ये स्मारक एएसआई के अधिकारियों को सौंप दी गई है। और इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि सासाराम 232 या 231 ईसा पूर्व में मिले शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में 8 पंक्तियां दर्ज है। शिलालेख का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। शिलालेखों में संभवत बुद्ध की मृत्यु का उल्लेखन करने वाली एक तिथि भी शामिल है, परंतु इसकी कोई ठोस जानकारी अभी तक मिली नहीं है। अब ये तो हुई अशोक के शिलालेख की बात, परंतु क्या आपको पता है कि इनके शिलालेख के अतिक्रमण के अतिरिक्त ऐसे कई धरोहर भी है जिन पर या तो कट्टरपंथियों द्वारा कब्जा किया है या फिर अन्य लोगों ने। पर पाकिस्तान में ही देख लीजिए, जिस स्तंभ को तोड़कर भगवान नरसिंह अपने भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु प्रकट हुए थे, उस स्तंभ के आसपास बने प्रहलादपुरी मंदिर न केवल खंडित हुआ है, बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसे एक सार्वजनिक शौचालय में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हम अपनी धरोहर को इस मंच तक ले जाना चाहते हैं? क्या हम इस पर कुछ सवाल भी नहीं कर सकते? इस पर मेरा ओपिनियन एक है कि ऐसे कई मंदिर, शिलालेख और स्तूप के नामों निशान मिट गए, जिस पर हम कुछ कर भी नहीं पाए। दोस्तों, ये शिलालेख, ये मंदिर, ये स्तूप वर्शिप करने की जगह नहीं है, ये एक भारत का कल्चर है। ये ऐसा ही चलता रहा तो हम हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखाएंगे? इतिहास के पन्नों में ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं कि जब भारत विश्वगुरु था, पर उसके इतिहास को कैसे मिटाया गया। इन मंदिरों को, इन शिलालेखों को एक बार एक कला के रूप में तो देखिए, क्योंकि ये हमारा भारत का कल्चर है और इसे हमें बचाना होगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भारतीय इतिहास का ज्ञान हो। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।